आज सैटरडे है और आज जो है शनिवार है और शनिदेव का जो है आज दिन है, आप लोगों को भी पता होगा। और यहाँ पे हम जो है शनिदेव मंदिर जो कि हरिद्वार में है, ये सबसे फेमस मंदिर है हरिद्वार का। यहाँ पे देखिए शनिदेव मंदिर है और यहाँ देखिए शनिवार को रोज़ बहुत भीड़ रहता है। ये देखिए यहाँ पे सभी धूप में जो है बैठे हुए हैं, मांगने वाले सब जो है कितना मेहनत से धूप में बैठे हुए हैं। आज ये देखिए इन लोगों को, और ज़रा आइए दिखाते हैं यहाँ पे मंदिर। और ये जो है हरिद्वार में बहुत फेमस है ये मंदिर शनिदेव जी का, ये देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे मंदिर। और जो है बहुत ही प्रसिद्ध है ये मंदिर यहाँ शनिदेव का। और यहाँ पे लोगों को देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, रोज़ हर शनिवार को यहाँ पे इतना ही भीड़ रहता है। और ये है मेन जो मंदिर है, वहीं पे हम लोग अभी अंदर अंदर चल रहे हैं पूजा करने के लिए। चलिए सत्संग जी जूता खोल, देखिए ये मंदिर का जो है गेट है, पूरा मंदिर दिखा दीजिए यहाँ पे। और जो है अभी अंदर चलिए देखते हैं यहाँ पे शनिदेव जी का जो मंदिर है इसके अंदर चलते हैं। और देखिए यहाँ पे पूजा जो हो रहा है, सबसे पहले ये जय माता महाकाली है। ये देखिए बाबा जो हैं अभी एक टीका लगा दिए हैं शनिदेव जी का। और यहाँ पे माता हैं और अभी जो है, हाँ वीडियो में आ गए हैं बाबा, ब्लॉग बना रहे हैं पूरा मंदिर का। हाँ ठीक है आ जा। ये देखिए ये रहा मंदिर मेन जो है, यहाँ पे पूजा वगैरह होता है। इधर अंदर आ जा आ जा आ जा। ये रहा शनिदेव जी का टीला, इधर से देखिए, ये देखिए यही है टीला जो शनिदेव का। बहुत ही फेमस मंदिर है, थोड़ा इधर आके दिखा दो अच्छा से ये टीला। और यहाँ पे जो है लोग बहुत सारे आते हैं पूजा करने के लिए, और बहुत से जन जो है यहाँ पे बाबा जी देखिए हैं, ये देखिए प्रणाम बाबा जी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है, हाँ हाँ ब्लॉग बना रहे बाबा, थोड़ा यहाँ का प्रसिद्धि बताइएगा ये कब से इधर हो जाएगा। जी यहाँ पे प्रसिद्ध मतलब ये मंदिर कब से है? मंदिर 1997 से 1997, मतलब 26 साल हो गया है। 26 साल। और हर शनिवार को बहुत ही मतलब सब श्रद्धालु आते हैं, 4-5 हज़ार भगत आते हैं जो भंडारे में प्रसाद लेते हैं। हाँ हर शनिवार भंडारा है, पूरे एक साल तक बुकिंग है। एक साल पहले से बुकिंग रहा, पहले से बुकिंग है भंडारा है। हाँ भंडारे के, और ये 12 राशियाँ हमारे मंदिर में बनी हुई हैं, और जिनकी भी जो मन्नतें होती हैं राशियों में अपना धागा बांध के जाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, लोग भंडारा करते हैं। ठीक है जी, ठीक धन्यवाद। और भगवान शनिदेव सबकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। हाँ तो देखिए अभी जो है यहाँ पे 12 जो यहाँ पे अष्ट सिद्धियाँ रहते हैं, ये रहा यहाँ पे। और वहाँ पे देखिए आदमी सब दिया जला के जो है पूजा करते हैं। यहाँ भी आ जा रहा, ये देखिए। और यहाँ देखिए अष्ट सिद्धियाँ जो हैं, यहाँ पे श्री हनुमान जी हैं। और ये रहा भैरवनाथ, ये है भैरवनाथ। तो गाइज यहाँ पे रोज़ जो है लगभग रोज़ नहीं, हर शनिवार को 10 से 15 हज़ार लोगों का भंडारा बनता है। तो चलिए देखते हैं अब उधर जाके कि भंडारा का क्या सिस्टम है और कितने आदमी हैं। तो अभी उधर जा रहे हैं हम लोग, चलिए। हर हर महादेव। देखिए यहाँ पे पूजा का सारा सामग्री मिलता है, यहाँ पे पूजा का सारा सामग्री ले सकते हैं। और जो है अभी अंदर आइए दिखाते हैं, यहाँ पे जो भंडारा होता है 10-15 हज़ार आदमी का कम नहीं होता है, और हर शनिवार को होता है। और सबसे बड़ी खास बात ये है यहाँ की कि यहाँ पे जो है हर शनिवार बुकिंग रहता है एक साल पहले से ही। अगर आपको भंडारा करवाना है तो नेक्स्ट साल में, नेक्स्ट ईयर में आपको भंडारा होगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे शनिदेव का यज्ञ हुआ है। और जो है अभी दिखाते हैं आपको यहाँ पे, देखिए देखिए अभी जो भंडारा चल रहा है यहाँ पे,
ये देखिए कितने लोग खा रहे हैं, इधर भंडारा चल रहा है यहाँ पे सभी लोगों का, भंडारा खा रहे हैं सभी लोग। यहाँ पे भंडारा हो रहा है साथ में, ये देख लीजिए। और सभी लोग अभी जो हैं खाना खा रहे हैं, लगभग पूरा शाम तक जो है पूरा भंडारा ही होगा, हर आदमी भंडारा खाना चाहते हैं यहाँ का, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो या अमीर हो या गरीब हो। देखिए सब लोग भंडारा खा रहे हैं अभी, देखिए यहाँ पे भंडारा बन रहा है, तैयार हो रहा है, जो कि 10-15 हज़ार आदमियों का यहाँ पे भंडारा तैयार होता है हर शनिवार को। और आगे यहाँ पे आइए, देखिए इधर भी बन रहा है पूरी, और जो है हलवा यहाँ का बहुत फेमस होता है, यहाँ पे गौ का भी जो है पालन पोषण होता है, और जो यहीं से गाय का सारा दूध जो है ले जाया जाता है यहाँ पे भंडारा के लिए। ये देखिए ये गौशाला है जो कि शनिदेव मंदिर जो ट्रस्ट है उसके द्वारा पालन पोषण होता है, और लोग दान भी देते हैं। तो अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो शनिदेव का, तो जाके चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तब तक हम भी जाते हैं भंडारा खाने के लिए बाबा का प्रसाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।